राजस्थान में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान देकर सियासत में फिर से हलचल पैदा कर दी है। तेलंगाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की मंशा का संकेत दे दिया है। उन्होंने फिर से अपने बयान को दोहराया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और आगे भी नहीं छोड़ेगी। गहलोत के इस बयान के बाद सियासी गलियारे में एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उधर गहलोत के बयान को लेकर अभी तक सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं। अशोक गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में उनकी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आगे बोलते हुए गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें छोड़ती नहीं है और आगे भी नहीं छोड़ेगी। पिछले 5 साल में गहलोत और पायलट के बीच जमकर सियासी विवाद फंसा रहा, जो काफी सुर्खियों में रहा। विधानसभा चुनाव की ठीक पहले हाईकमान की दखल के बाद दोनों के बीच समझौता हुआ। ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह समझौता क्या था, लेकिन उसके बाद पायलट काफी शांत नजर आए। इसको लेकर सियासत में यही चर्चा रही कि शायद अगले चुनाव को लेकर पायलट को कोई महत्वपूर्ण आश्वासन मिला है। पायलट को कहीं न कहीं इस बार आशा थी कि मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना शायद पूरा होगा, लेकिन गहलोत के बयान से एक बार फिर उनके अरमानों को धक्का लगा है। पायलट अब तक यही कहते रहे कि मुख्यमंत्री का फैसला नतीजे आने के बाद नए चुने गए विधायक और पार्टी आलाकमान करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जो भी इस लायक होगा उसको पार्टी मौका देगी, क्यों नहीं देगी। लेकिन निर्णय जो है ये चुनाव के संपन्न होने के बाद, मतगणना में बहुमत आने के बाद विधायक और लीडरशिप तय करेगी किसको क्या करना है। ये बिल्कुल यही 18 में हुआ था, मैं अध्यक्ष था उस समय। हमने पूरा निर्णय करने के बाद एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि दिल्ली में जो भी पार्टी लीडरशिप तय करेगी वो सबको स्वीकार्य होगा। गहलोत के ताजा बयान के बाद पायलट ने चुप्पी साध रखी है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स अपने मायने निकाल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह चुप्पी पायलट की किसी राजनीति का हिस्सा हो सकती है, तो वहीं कुछ लोग इसे पायलट की मजबूरी से जोड़कर देख रहे हैं। चर्चा यह भी चल रही है कि गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बनने को लेकर आखिर इतनी निश्चिंत क्यों है। इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं गहलोत को लगता है कि विधायक दल में उनका पायलट से अधिक दबदबा है। टिकट वितरण के दौरान भी वे अपने समर्थकों को ज्यादा टिकट दिलाने में सफल रहे। पायलट भी इस सच्चाई से भली भांति वाकिफ है। उनका एक मात्र उम्मीद कांग्रेस आलाकमान है। यही कारण है कि गहलोत के बयान पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बहरहाल एक बात तो तय है, यदि कांग्रेस को बहुमत मिला तो गहलोत और पायलट के बीच सियासी संग्राम एक बार फिर देखने को मिलेगा। चुनाव आज तक।